इरादे बुलंद हों तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, ये मध्य प्रदेश के रत्नेश ने सच कर दिखाया है। मोटरसाइकिलिंग में करतब दिखाकर 3 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके सतना के रत्नेश पांडे ने शनिवार सुबह एक और कीर्तिमान रच दिया है। उन्होंने समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। एवरेस्ट फतह करने वाले ये मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही हैं। मोटरसाइकिल में करतब दिखाकर 3 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके सतना के रत्नेश पांडे ने शनिवार सुबह एक और कीर्तिमान रच दिया। उन्होंने समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। एवरेस्ट फतह करने वाले वे मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के लिए रत्नेश ने अपने अंतिम चरण के पर्वतारोहण की शुरुआत रात 8 बजे की और 21 मई की सुबह 6:35 पर वे लक्ष्य तक पहुंच गए। शिखर पर उस वक्त पारा -40 डिग्री सेल्सियस था। बर्फीली हवाएं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। बावजूद इसके रत्नेश ने हार नहीं मानी और ऊंचाई पर पहुंचकर कामयाबी हासिल कर ली। रत्नेश के अलावा 16 पर्वतारोही और थे, जिसमें से एक भारतीय और था, जिनमें से सिर्फ 10 पर्वतारोही ही कामयाब हुए। रत्नेश के सिर पर अपने जिले सतना और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने का जुनून सवार था। रत्नेश अपने परिवार वालों से हमेशा कहता था कि मध्य प्रदेश से अब तक कोई भी शख्स एवरेस्ट की चोटी तक नहीं पहुंचा है, ये कीर्तिमान उसे बनाना है। रत्नेश के पिता जयचंद पांडे ने बताया कि हम तो हमेशा उसके लिए इस जीत से डरे सहमे रहते थे, लेकिन रत्नेश का कहना था कि वो सतना और अपने प्रदेश का नाम रोशन करना चाहता है। रत्नेश का शौक सिर्फ ट्रैकिंग करना ही नहीं, उनकी झोली में बाइक राइडिंग के विश्व स्तरीय खिताब भी हैं। रत्नेश ने 32.3 किलोमीटर दोनों हाथ छोड़कर मोटरसाइकिल चलाई। दूसरी बार उन्होंने बाइक के जरिए बगैर रुके 175 सर्किल बनाए। तीसरा कमाल उन्होंने पीछे की ओर मुंह करके 14 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई है। 3 करतब दिखाकर उन्होंने 3 अवार्ड अपने नाम पहले ही कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ए टू जेड न्यूज़।